ये जर्मन शेफर्ड का डॉग है जिसकी एज 6th मंथ है। इसके कान खड़े नहीं हैं और हम इसे टेपिंग के लिए रेडी कर रहे हैं, और अब हम इसकी टेपिंग करके देखते हैं कि कान खड़े हो पाएंगे कि नहीं। फर्स्ट टाइम इसकी आज टेपिंग हो रही है। वैक्सीनेशन इसकी कंप्लीट है। सबसे पहले वैक्सीनेशन होनी चाहिए डॉग की। अगर आप टेपिंग करा रहे हैं, कोई भी केस करा रहे हैं, तो उसकी वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। और कानों के बीच में स्टिक लगती है स्पॉट के लिए, तभी कान को खड़े होने में फैसिलिटी मिलेगी। कुछ इस तरह से टेपिंग होगी इसकी, ठीक है जी। और कम से कम भी 4 दिन के बाद इसको दोबारा रिट्राई करना है। ये भी हमारी फीमेल थी, इसके भी कान खड़े नहीं हो पा रहे थे। ये 5.5 महीने की है और हमने इसके कानों को कंप्लीट कर दिए टेपिंग करके। 4-5 दिन बाद ड्रेसिंग होगी इसकी दोबारा। कुछ इस तरह से टेपिंग होगी। हमने ध्यान रखना है कि ज़्यादा टाइट नहीं करना, ताकि उसके कान में कोई दिक्कत ना आए। और किसी ट्रेंड आदमी से ही टेपिंग करवाएं, अनाड़ी आदमी ना करें, क्योंकि कान में जख्म भी हो सकता है। हाँ जी, इस तरह से कुछ स्टिक लगेगी और कोशिश रखना है ना लूज़ हो ना टाइट हो, मीडियम सा हो, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट कर दोगे तो उसके कान में स्वेलिंग आ जाएगी, अंदर जख्म भी हो सकता है, ठीक है जी। और टेपिंग कभी भी करें तो डॉग को पहले बेहोश कर लें, ताकि सही तरह से टेपिंग हो सके। कुछ इस तरह से बाहर से टेपिंग होगी, अंदर कॉटन लगा के तब टेप किया, ताकि उसके कानों पर टेप ना चिपके। और ये तो ट्रेंड है जो टेपिंग कर रहे हैं, 15 साल का एक्सपीरियंस है इनको टेपिंग का। हाँ जी, ये कंप्लीट हो चुकी है इनकी क्रॉपिंग, ठीक है जी। टेपिंग, सॉरी, क्रॉपिंग नहीं, टेपिंग। और ये दोनों फीमेलों की आज हमने टेपिंग की है। ये मेल फीमेल है, ये फीमेल है और ये मेल है। और अगले वीक देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको कि कान खड़े हुए हैं या नहीं।